तो दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर। स्टार्ट करते हैं तो हम ग्रिड में जाएंगे, यहाँ से ग्रिड ओपन करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से 1.6 की बीम लेंगे। ठीक है, यहाँ से ग्रिड हम ये ओपन करेंगे। ओके, यहाँ से इसमें हम 1.6 ओके करेंगे। यहाँ से 1.6 की बीम ली और ग्रिड क्लोज कर देंगे। उसके बाद व्यू में जाएंगे हम, जैसे कि पहले से जाते थे, फ्रंट व्यू लेंगे। ठीक है, फ्रंट व्यू लेने के बाद हम इसमें प्रॉपर्टी में जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी में हम इसको बीम में, बीम का साइज लेंगे, जो कि साइज हम 0.200, 0.300 एंड 0.230 mm ओके ऐड करेंगे। यहाँ से क्लोज कर देंगे, यहाँ से असाइन करेंगे, जिसे R1 यहाँ पे हमारा इसका मार्क आ गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हम इसकी डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस कितना है इसका, अभी 1.6 ओके, यहाँ से रिमूव करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इस पे हम ज्योमेट्री में जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट लोड लेंगे। ओके, क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 0.3 ऐड करेंगे यहाँ से। ओके, उसके बाद 1.3 ऐड करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। जैसे कि तीन व्यू आ गई हमारी इसमें, जैसे कि अब 3D व्यू हम इसमें चेक कर सकते हैं। व्यू में जाके बाद 3D रेंडरिंग इस तरीके से शो करेगा हमारा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सपोर्ट। सपोर्ट में जाएंगे, यहाँ से क्रिएट करेंगे फिक्स सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट ऐड करेंगे। ओके, यहाँ से असाइन कर सकते हो आप, असाइन सपोर्ट पे हम करेंगे, यहाँ से असाइन करेंगे, यहाँ यूज कर्सर टू असाइन क्लिक करेंगे और यहाँ से हम शिफ्ट के एंटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ ये हमारी ओवरहैंग बीम होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोडिंग पे। लोडिंग में जाएंगे, ऐड करेंगे यहाँ से, उसके बाद डेड लोड ओके ऐड कर देंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर से हम डेड लोड पर जाएंगे और ऐड करेंगे। ओके, और यहाँ से हम सेल वेट लेंगे, क्लोज करेंगे, जैसे कि -1 सेल वेट, और मेंबर पर जाएंगे और वेयरिंग लोड लेंगे। तो वेयरिंग लोड हम सबसे पहले यहाँ से -10 kN और यहाँ से -15 kN ऐड करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से -15 kN ऐड एंड क्लोज्ड। तो सबसे पहले असाइन टू करेंगे, यहाँ से व्यू सेल वेट इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम इस तरीके से इसको, तो यहाँ से ओवरहैंगिंग लोड दिखाएंगे यहाँ से इस तरीके से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो जैसे कि आपके दोनों लोड आ गए यहाँ पे, ये सेल वेट, ये हमारा वेयरिंग लोड, और ये पूरी वो बीम पर एक सिंगल लोड। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एनालिसिस पे। डिफाइन करेंगे जैसे कि ऑल ऐड क्लोज्ड, उसके बाद डिजाइन कंक्रीट IS456 कोड कमांड बीम ऐड करेंगे यहाँ से, उसके बाद टेक ऑफ क्लोज कर देंगे, असाइन टू बीम। ओके, और चलते हैं हम रन एनालिसिस। जैसे कि आप हमारा कंप्लीट होने के बाद रन एनालिसिस करेंगे, यहाँ से देख सकते 0 एरर यहाँ पे, और इसे व्यू करेंगे यहाँ से।
यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखिए M20 क्रिएट FE415 और एम जैसा कैंडी साइज है 300 बाई 300 का, 230 mm कवर। और ये सरिया हमारी डिजाइनिंग की 2 सरिया 10 mm की, 2 सरिया 10 mm की बॉटम टॉप में, और 8 डाया की सरिया 2 लेग में 195/5 सेंटर टू सेंटर। ओके, तो यहाँ से क्लोज करेंगे, उसका बीम पे क्लोज करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा, यह भी यहाँ से भी देख सकते हैं और सीयर बेंडिंग भी देख सकते हैं यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ भी मेन सरिया इसी तरीके से सब सेम रहेगा। ओके, चलते हैं सीयर पोस्ट एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की तरफ। पर सबसे पहले हम पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप सीयर पोस्ट डायग्राम देख सकते हो, ये हमारा सीयर पोस्ट डायग्राम रहेगा। उसके बाद यहाँ से क्लोज करेंगे इसे, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आप देखिए इस तरीके से शो कर रहा है इसमें, ओके जेड डायरेक्शन में, आप जेड डायरेक्शन में देख सकते हैं। ओके, क्लोज करेंगे यहाँ से, एनोटेट में जाएंगे, बीम रिजल्ट सारे पॉइंट क्लिक कर देंगे यहाँ से। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट एनोटेट, ओके क्लोज। तो सबसे पहले हम सीयर पोस्ट डायग्राम जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, और नेक्स्ट है हमारा बेंडिंग मूवमेंट। सीयर क्लोज करेंगे, बेंडिंग मूवमेंट देख सकते हो आप। मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0 0 0, ठीक है। उसके बाद ये लोड हमारा इस तरीके से हमारा ये शो करने लगेगा। तो थैंक यू दोस्तों अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए।